लो जी फिर आम आदमी पार्टी की जित दे उत्ते मोर ला दी गई है, नतीजे डिकलेयर कर दिए गए। जी हुण ताज़ा जानकारी साढ़े को पहुंची है, वह जानकारी ये कह रही है कि 56,729 वोटां दे नाल सुशील रिंकू कैंडीडेट आम आदमी पार्टी उन्होंने जेतू घोषित कर दिता गया। ये एक बहुत वड्डा मार्जन जिहड़ा वो कहा जा सकता है इस जिमनी चोण दे विच। जो 54% वोटिंग हुई हो चार पार्टियां मुकाबले दे विच हुण ते पंजवीं पार्टी ने भी अपना दमखम श्रोमणी अकाली दल अमृतसर ने दिखाया होवे, उन्हां हालातों दे विच जिहड़ा आ उह जिस तरीके की स्थिति बनी आ आम आदमी पार्टी ने झाड़ू फेर, एक तो होंगी है ना हुंजा फेर, इनू झाड़ू फेर जित जिहड़ा उह कहा जा सकता। जे असी बाकी उम्मीदवार की भी गल कर लिए, टोटल वोटिंग की गल कर लिए, आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार रिंकू होरां नू 2,99,500 वोटां जिहड़ियां ने उह हासिल होईयां ने। कांग्रेस की उम्मीदवार करमजीत कौर चौधरी नू 2,00,000 उम्मीदवार इंद्र इकबाल अटवाल होरां दी गल करिए ते उन्हां नू 1,32,279 वोटां मिलियां ने। डॉक्टर सुखविंदर सुखी ये तीजे नंबर ते आ गया, पहला चौथे नंबर ते सीगे जी, इन्हां नू 1,49,677 वोटां मिलियां ने। ते अकाली दल अमृतसर दे गुरजंट सिंह कट्टू 19,304 वोटां जिहड़ियां ने उह मिलियां ने, और 56,729 वोटां दे फर्क दे नाल सुशील रिंकू जिहड़े आ उह अगे ने इन्हां सारिआं तों। सो फिलहाल जिहड़ी आ उह आपां ग्राउंड दे उत्ते की सिचुएशन आ उहदी गल्लबात करदे आ। साडे सीनियर पत्रकार अतुल शर्मा होरी मौके ते मौजूद ने। अतुल जी, इस वेले स्थितियां किहो जिहियां ने, की हालात ने? साढ़े कोल इह रिपोर्ट आ रही है स्टूडियो दे विच कि सुशील रिंकू नूं जेतू करार दे दित्ता गया, उत्थे दी की सिचुएशन आ करंट ते किदां दे हालात उत्थे तुहानूं काउंटिंग सेंटर दे बाहर नज़र आ रहे ने? जसवीर जी, इस तरीके की जी ब्रेकिंग तुसीं दे रहे हो काफी देर दे रहे हो, क्योंकि जे मैं इन्हां दे समर्थां दे पद्धर ते गल करां ते उह 2.5 घंटे पहले ही अनाउंस कर चुके हैं कि उह जित गए हैं। तो 2 घंटे पहले इत्थे जो सैलीब्रेशन थी, आम आदमी पार्टी जिन्हें समर्थक थी उन्होंने अपडेट लैनी बंद कर दी थी। वह ये नहीं देख रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की कह रहा या मीडिया की कह रहा। समर्थक अपने तरीके ना भावनात्मक तौर ते जुड़े होंगे, वो तो सवेर दे जशन मना रहे जो 720 वोटां दे फर्क नाल अगे सी रिंकू। बिल्कुल जसवीर, तुसीं इह देखो कि जो भी काउंटिंग शुरू हुई है, मेरे हिसाब नाल कोई भी ऐसा ग्राउंड नहीं आया जो ओपोजिशन दी कोई भी, चाहे वह कांग्रेस होवे चाहे अकाली दल दी कोई भी, चाहे 10 वोटां ही होण अगे गए होण। बिल्कुल, तुसीं रिंकू ने सवेर तो ही जिहड़ी बड़ सुनाई, पहले सैकड़ा शुरू हुई, सैकड़ा तो वो हजारा च बदलनी शुरू हुई और वो बदतूर जारी रही जी। ओहदा नतीजा इही है कि इन्नी वड्डी लीड, वो वाली लीड जिहड़ी कांग्रेस दावा करदी सी कि इन्नी वोटां नाल जितांगे, आम आदमी पार्टी नूं कहा जा रहा सी कि एंटी इनक्यूमेंसी है, ये बुरी तरह हारेगी, पर इहदे उलट आम आदमी पार्टी एक भी राउंड से पिछे नहीं गए। तो ये मान लो कि 9 दे 9 विधानसभा हलके, वो वाले 9 विधानसभा हलके जिस 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के थे। बिल्कुल, उन फिलौर हलका जिस सबसे ज्यादा लीड थी 15,000 की लीड थी सिकरम चौधरी, सिकरमजीत चौधरी दे बैठे ने जी, वो भी अपनी जी घर की लीड है वो भी बचा नहीं सके। हर एक राउंड के आम आदमी पार्टी है जी वो अगे जाती रही, 50,000 की जी लीड है जसवीर थोड़ी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल खिलाफ होनी सी, क्योंकि इतो एमपी कांग्रेस का सीगा, तो जे कोई नाराजगी होनी सी तो कांग्रेस नाल होनी सी, और वो इफेक्ट कितने ना कितने चीज़ां बोलियां ने कि कांग्रेस नहीं दस पाई कि आखिर असी 9 सालां च कीता की है जलंधर दे लई। ते आम आदमी पार्टी कहिंदी 10 महीने सानू दे दिओ, असी जो 9 सालां च नहीं कीता 10 महीनों च करके दिखावांगे, तो फिर अगले साल जदों असी तुहाडे तों वोट मंगण आए जे कोई काम ना कीता तो सानू वोट ना पाइओ। कांग्रेस कितने नहीं ये गल कह सकी। ਮੇਰੀ ਹੁਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਸਟ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ,
असल से ग्राउंड लेवल से चाहे इंचार्ज हरपाल सिंह चीमा से, लेकिन चोन की सारी जी जिम्मेवारी थी हरचरण सिंह बरथड़ के अंदर थी। तुम देखो कि जिन्या पार्टी शामिल कराए गए लोगों को, चाहे वह किसी दूजी पार्टी लोग शामिल हुए या जिन्या वक् वक् जत्थेबंद है शहर दया या पेंडू एरिए दया, उन्होंने जिन्नी शमूलियत हुई उसे हरचरण बरथड़ का बड़ा वाला रोल रहा जी। ग्राउंड लैवल से वो बड़े जुड़े रहे उन्होंने, तो उन्होंने भी यही कहना था कि गल जलंधर वासियों से असं सवाल पूछा से उन्होंने स्मार्ट सिटी को लैके, क्योंकि चोन जित गए आम आदमी पार्टी ने अपना खाता खोलिया लोकसभा एक बार फिर तो पहले जाते भगवंत मान, उसके बाद सीट खाली थी। हाँ पार्टी ने लैवल से देखा तो उन्होंने प्राप्ति हो गई, लोकसभा चुनाव का मैंबर चला गया, थोड़ा बखवाई है, पर गल है कि जलंधर वासियों ने वोट दी तो जलंधर वासियों को मिलिया। तो उन्हें सवाल जो पूछा गया कि जलंधर वासियों को स्मार्ट सिटी के दर्शन हो गए, कि पता लगेगा कि साफ सुथरिया सड़क की होंगी है, ग्रीनरी की होंगी है, पीने वाले पानी की जी समस्या है कि रेगुलर पानी मिलता रहे और पानी के निकासी की बरसाती पानी की है, क्योंकि जरा पुराना शहर है उस काफी जो एरिए ने डूंगे एरिए जो बरसात होंगी है तो उसे पानी की समस्या खड़ी हो जाती है, और विकास की गल सड़क नालिया हूँ आदमपुर हल्का भी इसे सांसद ही आता कॉन्स्टिट्यूएंसी हूँ आदमपुर का जो मसला वा इंडिया पाकिस्तान वाले मसले वांग गया, शायद कभी हल ही नहीं होना नागरिक होने नाते फर्ज निभा गेंद है आम आदमी पार्टी सत्ताधारी पार्टी उन्होंने पाले चाह भगवंत मान के पाले और सुशील पूरे पाले जाए कि जो उन्हें सब जीत गए है तो उस तो बाद जलंधर वासियों को की मिलेगा। अतुल जी हुण की इत्थों बाकी जिहड़े कैंडीडेट हैगे ने चाहे वह कांग्रेस दे ने चाहे अकाली दल दे ने भाजपा दे ओ इत्थों निकल चुके ने काउंटिंग सेंटर तो जा चुके ने या फिर तुहानू लगदा कि अजे भी वह अंदर बैठे ने टिल एंड अजे कुछ देखना बाकी है या चुप चपीते उन्होंने ये नतीजे सामने आने तो बाद किनारा कर लिया जिदा तुसी पहला दस्या सीगा कि रजिंदर बेरी आए पर वो मीडिया वाली सड़क थाणी दी निकल के नहीं गया वो उल्ट साइड तो दूजे पासे दी होके निकले ताकि मीडिया के सवालों का जवाब ना देना पवे। देखो जी सड़क है करीब 100 फुट चौड़ी है और फिलहाल इस सड़क से आलम है कि हर पास आम आदमी पार्टी के समर्थक ही नजर आ रहे हैं और इसका फायदा उठाते हुए जो दूसरे उम्मीदवार ने जी कदम कदम कितों निकल रहे हैं उम्मीदवार की तो गल बहुत दूर है, हर एक पार्टी के जो एजेंट अंदर जाते हैं एजेंट जाते हुए तो भाई सारे देखे पर निकलना हो फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा गली है या पतली गली चो निकल गए, ये फिलहाल साढ़े लिए कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि इस तरह दावा नहीं किया जा रहा, पर सड़क से जो है वो इस वे जिस तरीके पंजाब आम आदमी पार्टी का कब्जा है बानवे विधायक की जलंधर की लोकसभा सांसद उन्होंने आ गए, तो फिलहाल ये जो काउंटिंग सेंटर है वो जी 100 फुट तो भी ज्यादा चौड़ी सड़क और काफी लंबी सड़क है उसे फिलहाल आम आदमी पार्टी का ही कब्जा है, हर पास से उन्होंने समर्थक की है टोलियां बन बन के आ रही है ढोल के नाल अपने नेतावान के नाल देखिया उन्हें विजुअल भी तुम भेजे ने सुनीता रिंकू भी उसे पहुंच गए ने अपने पति को मिलने वास्ते और उन्होंने कहना है कि मैं फिर तो ही मंदिर च बैठी थी पति की जित की कामना करते हुए वो तो फिलहाल सारे समर्थक ने नेता ने वो हौली हौली इतने जुटने शुरू हो गए ने बधाइया देने का तांता जरा कि इतने पहुंचना शुरू हो गया, दिनेश धर जे कि नॉर्थ तो जिन्होंने चोन लड़ी थी हालांकि वह हार गए थे बाबा हैली तो वह भी इतने पहुंचे ने अपने लाभ लश्कर के नाल अपने सांसद को अपने नेता का इस्तकबाल कर ली। फिलहाल तो ये है कि काउंटिंग सेंटर के बाहर भीड़ बदली जा रही है जो जो टाइम बीत रहा है टीवी से मीडिया से लोग खबर लेके बार बार उत्थे पहुंच रहे हैं, फिलहाल खुशी का नजारा है, पहले तो इक्का दुक्का ही ढोल थी पर हुण ढोलों की भी गिनती बढ़ रही है और जो जश्न का माहौल है वह पूरा इतने बनया जल्दी।